Well, good morning. Praise the Lord. And I praise and thank God that by God's grace, you all are growing in the knowledge of God and also in the blessings of God. Thank you for your prayers and support for this church ministries. And we are also praying for you all. Hum log aapko liye prarthna karte hain. And you know, this weekend is the World Day of Prayer for Children at Risk. और ये सप्ताह बहुत ही खास सप्ताह है जबकि दुनिया भर में बच्चों के लिए वैसे बच्चों जो कि बहुत रिस्क में हैं उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही है एंड मेनी क्रिश्चियन एनजीओज आर ऑब्जर्विंग इट एंड आर ब्रिंगिंग अवेयरनेस एज टू हाउ चिल्ड्रन कम इन टू रिस्क एंड हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन और बहुत सारे एनजीओज जैसे विवा नेटवर्क एफिकार्ड आदि सामाजिक संस्थाएँ इस प्रार्थना बच्चों के प्रार्थना के लिए वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं और साथ ही साथ ये ज्ञान भी बांट रहे हैं वे लोग कि बच्चे लोग किस प्रकार से खतरों में पड़ जाते हैं और हमें किस प्रकार से अपने बच्चों और अपने समाज के बच्चों को बचाने की आवश्यकता है एंड टुडेज मैसेज इज रिलेटेड टू इट बट दिस मैसेज इज फॉर ऑल हालांकि आज का जो संदेश है इस पर आधारित है इस विषय पर लेकिन यह संदेश सबों के लिए समाज में रहने वाले सारे लोगों के लिए है और एज ए गार्जियन भी हम सबों के लिए है इन द बाइबल वी सी दैट जीसस लव द चिल्ड्रन वेलकम देम एंड ब्लेस देम और बाइबल में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों से प्रेम करते थे उनका स्वागत करते थे अपनी सभाओं में और साथ ही साथ उनके ऊपर हाथ रखकर उन्होंने आशीष भी दिए एंड दैट्स व्हाई मेनी चिल्ड्रन केम टू हिज मीटिंग्स और इस कारण से बहुत सारे बच्चे उनके सभाओं में आया करते थे और एक सभा में तो एक बच्चा ने अपना भोजन प्रभु यीशु मसीह के पास ला कर दिए 5 रोटी और 2 मछलियों को वो ला कर दिया कि ताकि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यकर्म करके 5,000 और से भी अधिक लोगों को उन्होंने खाना खिलाया और जीसस टॉट द पीपल अनलेस दे बिकम लाइक चिल्ड्रन दे कुड नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी कि जब तक तुम बालकों के समान न बनोगे तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते एंड ही ऑल्सो वार्न्ड नॉट टू हिंडर द चिल्ड्रन टू कम टू हिम एंड हूएवर कॉज्ड दिस लिटिल वंस टू सिन इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम टू हैव अ ग्रेट मिलस्टोन फास्टेंड अराउंड हिज नेक एंड टू बी ड्रोन इन द डेप्थ ऑफ द सी उन्होंने ये भी चेतावनी दी है लोगों को कि बच्चों को मत रोको वरन उन्हें मेरे पास आने दो और वैसे लोग जो बच्चों को पाप करने के लिए उकसाते हैं या उन्हें फोर्स करते हैं उनके लिए भला होता उनके गले में पत्थरों की सिलियां बांध दी जाती और वे समुद्र में डुबो दिए जाते हैं सो नाउ लेट्स सी वन ऑफ सच पैसेजेस वेयर वी फाइंड वन ऑफ द चिल्ड्रन एट रिस्क एंड हाउ जीसस सेव्ड हिम और इसलिए आइए अभी हम लोग एक बाइबल से एक ऐसे संदर्भ को देखेंगे जहाँ पर एक बच्चे को हम लोग पाते हैं बहुत ही खतरे में पड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उन्हें किस प्रकार से बचाते हैं उसको हम लोग देखेंगे नाउ प्लीज टर्न विथ मी लुक चैप्टर 9:42-43 लुका अध्याय 9 से हम लोग देखेंगे हालांकि 37 से 43 के बीच में यह है घटना लेकिन हम लोग 42 और 43 अभी पढ़ेंगे Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy and gave him back to his father. And they were all amazed at the mighty power of God. Hallelujah. Hindi mein aa raha tha ki dushta atma ne use patak kar maroda. Parantu Yeshu ne ashuddh atma ko daata aur ladke ko accha karke uske pita ko saunp diya. और तब सब लोग परमेश्वर की महा सामर्थ से चकित हुए हालेलुया सो आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूं माइटी गॉड फॉर द नीडी पीपल महा जरूरत में पड़े हुए लोगों के लिए महा सामर्थी परमेश्वर आज लोगों के पास बहुत प्रकार की जरूरतें हैं लोग संकट में पड़े हुए लोग हैं और वे लोग किसी आस में कि किस प्रकार से उनकी ज़रूरतें पूरी होगी या उन्हें किस प्रकार से संकट से छुटकारा मिलेगा और ऐसे ही समय के लिए
हमारे पास एक महासामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। सो 43 पद में लिखा हुआ है कि तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ्य से चकित हुए। और आज मैं उसी परमेश्वर की महासामर्थ की बातें कर रहा हूं। और द बैकग्राउंड ऑफ दिस पैसेज इज दैट वन डे व्हेन जीसस केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन आफ्टर हिज प्रेयर्स लार्ज क्राउड मेट हिम। और इस कहानी का पृष्ठभूमि यह है कि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों से वे उतर रहे थे प्रार्थना करके, और एक बहुत बड़ी भीड़ उन्हें आ मिली। एंड एज वी नो वेरी ऑफन ए लार्ज क्राउड यूज टू कम टू जीसस विद देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। और जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रायः प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी भीड़ आ इकट्ठा होती थी, और वे लोग अपने जरूरत, अपनी बीमारी, अपने समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। Among them, many could be the people suffering from some diseases, others oppressed by demons or with some other problems. और उनमें से कई लोग बीमारी से ग्रसित होते थे, कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ हो जाता था, और कुछ लोग अन्य समस्याओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। समस्याएं और संकट तो बहुत सारे थे उनके, लेकिन उन सबों का एक ही समाधान था, ऑल सफिशियंट सॉल्यूशन, द माइटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और एक ही जो उनके लिए समाधान था सारे समस्याओं का, वह था स्वयं हमारे महासामर्थी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एंड दिस टाइम फ्रॉम द क्राउड ए डेस्परेट फादर केम आउट विद हिज सन एंड रिक्वेस्टेड टू जीसस। और इस बार भीड़ में से एक व्याकुल पिता सामने आते हैं, अपने बेटे को लेकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से अनुरोध करते हैं, टीचर आई बेग यू टू लुक एट माई सन फॉर ही इज माई ओनली चाइल्ड। कि हे गुरु, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एक लौता बेटा है। यहां पर वो रिक्वेस्ट करता है अपने इकलौते बेटे के लिए। A spirit seizes him and he suddenly screams, throws him into convulsions so that he foams at the mouth. It has scarcely ever leaves him and is destroying him. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. और वो बताते हैं कि देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह का एक चिल्ला उठता है और उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर ले आता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ता है, यानी पकड़े हुए रहता है। और कई बार उसको वह आग में गिरा दिया, पानी में गिरा दिया और उसका जान के पीछे पड़ा हुआ रहता है और उसको बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। यदि आप कुछ कर सकें तो मेरे लिए बहुत ही भला होगा और मेरे ऊपर उपकार होगा। यही कहानी हम लोग मत्ती अध्याय में भी पाते हैं और मरकुस में भी हम लोग पाते हैं। मरकुस अध्याय 9 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पिता से पूछते हैं कि कब से तुम्हारे बच्चे की यह हालत है, कब से ये तुम्हारे बच्चे की ये दुर्दशा है। पिता ने बताया कि सिंस हिज चाइल्डहुड, कि बचपन से इसका यही हालत है और संभवतः यह बालक अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, टीनेजर की उम्र का हो गया। और उस जमाने के उसी उम्र के दूसरे बच्चे लोग अपना दूसरे काम धंधा के लिए वे लोग तैयार हुए होते रहते थे। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बालकपन में उन्होंने बढ़ई के काम को सीखा और इसलिए उस जमाने के बच्चे लोग कुछ ना कुछ ट्रेड, कुछ स्किल्स, कुछ काम धंधा वे सीखते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि ताकि सो दैट दे कुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर ए फ्यूचर प्रोफेशंस, ताकि वे भविष्य के लिए कुछ पेशा या व्यवसाय के लिए वे तैयार हो सकने पाए। बट दिस बॉयज लाइफ वॉज बींग रुइंड बाय सैटन। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस लड़के का जो जीवन है शैतान और दुष्ट आत्माओं ने पूरा बर्बाद करके रखे हुए था। सो दिस चाइल्ड वॉज एट ग्रेट रिस्क। सो ये जो बच्चा था बहुत बड़े खतरे में पड़ा हुआ था कि कब मर जाएगा और इसका आगे का कोई भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था।
So this demon was destroying the boy physically, emotionally, spiritually and also socially. So ये जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर था वो इसको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से और साथ ही साथ सामाजिक या भावनात्मक तौर से भी बर्बाद कर रहा था. And the symptoms were similar to epilepsy, plus loss of speech and hearing. और इसका जो लक्षण दिखाई देता था बाहरी तौर से मिर्गी का, मिर्गी की बीमारी का लक्षण दिखाई देता था. और साथ ही साथ हम लोग मत्ती मार्ग में पढ़ते हैं कि उसको गूंगी आत्मा या बोले बहरेपन की आत्मा भी उसमें लगी हुई थी. बट द प्रॉब्लम वॉज नॉट जस्ट फिजिकल, इट वॉज ऑल्सो डेमोनिक. बाहर से दिखने में लग रहा है कोई शारीरिक बीमारी है, दवा खिलाया जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन असल में सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं थी वरन एक आत्मिक बीमारी थी और ये दुष्ट आत्मा उसको लगा हुआ था. फर्दर दिस फादर इन्फॉर्म्ड, आई हैड कम टू योर डिसाइपल्स टू ड्राइव इट आउट बट दे कुड नॉट. फिर आगे उस पिता ने बताया कि मैं तेरे चेलों के पास आया था कि वे, और उसे उन लोगों से विनती की कि वे उसे निकालें, परंतु वे ना निकाल सकने पाए. Then Jesus replied, "You unbelieving and perverse generation, how long shall I stay with you and put up with you? Bring your son here." So Prabhu Isu Masih ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ मेरे पास लेकर आओ. और जब आ ही रहा था दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया और उसे आदेश भी दिया कि गूंगी और बहरी आत्मा तुम इसमें से निकल जाओ और दोबारा इसमें मत आना. और क्या हुआ, लड़का जो है पूरे तौर से तुरंत ठीक हो गया, चंगा हो गया और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गई थी और वह उनको वापस उसके पिता को सौंप दिए. और तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए. हालेलुया. सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लड़के, वन चाइल्ड हु वाज एट ग्रेट रिस्क, ही वाज डिलीवर्ड एंड सेव्ड बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सो हम लोगों ने इस घटना में देखने पाए कि एक ऐसा लड़का जो बहुत बड़े खतरे और मुसीबत में पड़ा हुआ था, उसको किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बचाए, चंगाई दी और छुटकारा दिए और आगे का एक सुंदर भविष्य प्रदान किए. हालेलुया. सो वी सी हियर फोर मेन एस्पेक्ट्स इन दिस स्टोरी. सो इस कहानी में हम लोग चार प्रमुख बातों को हम लोग पाते हैं. नंबर वन, द डेस्परेट नीड ऑफ द पीपल, कि लोगों की बहुत ही महा जरूरत है. Because the human race is under the curse of sin and condemnation, we all are desperately need for something. क्योंकि जो मानव समाज है, मानव जाति है, वह पाप और दंड आज्ञा के श्राप से ग्रसित है और इस कारण से हम लोगों को जरूरत हमेशा पड़ी हुई रहती है. Every human being is fragile. और हम सभी लोग एक्चुअली अंदर से कमजोर है. ये तो प्रभु की सामर्थ्य है जो हमें मजबूत बनाए रखता है. एंड वी सी हियर थ्री ग्रुप्स ऑफ नीडी पीपल, और इस कहानी में हम लोग तीन समूह को पाते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ जरूरत है. पहला जो ग्रुप है वह द डिस्ट्रेस्ड फादर एंड हिज ड्रेंक्ड सन. यहाँ पर पाते हैं व्याकुल पिता है और एक कमजोर संकट से ग्रसित बालक, जिसको उन लोगों को एक जरूरत है छुटकारे का, चंगाई का. एंड यू नो एवरी पेरेंट कैन रिलेट टू दिस मैंस पैथेटिक क्राई फॉर हेल्प. और हम में से जितने भी माता पिता हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से इस पिता की भावना से हम लोग जुड़ सकते हैं. मैं स्वयं एक पिता हूँ और इनकी इस पिता की भावना से जुड़ सकता हूँ कि किस प्रकार से ये दयनीय अवस्था उसकी थी. उसके बालक का, बेटा का हालत खराब है और यही बेटा उसके बुढ़ापे का एक लाठी बन सकता था और ये अभी बहुत संकट में है, इसके जीने का भी कोई ठिकाना नहीं है. सो वो सहायता के लिए वो पुकार रहा है
And our hearts go out for our children, especially when they have devastating illness or problem that we cannot resolve. और खास तौर से तब हमारा हृदय हमारे बच्चों के प्रति बहुत ही जुड़ा हुआ रहता है जब एक किसी खास प्रकार की बीमारी या संकट या समस्याओं से जूझते हैं और उसका कोई समाधान हमारे हाथों में नहीं है कि कैसे इसको बचाएं। और हमें ज़रूरत है एक चमत्कार की, हमें ज़रूरत है प्रभु की सहायता की, हमें ज़रूरत है कि कोई आकर हमारी मदद करे। सो हियर वी फाइंड अ डेस्परेट मैन, द डिस्ट्रेस्ड फादर एंड हिज फ्रेंड सन, एक व्याकुल पिता और उसके कमजोर बेटा। दूसरा जो ग्रुप है द डेफिशिएंट डिसाइपल्स, ये अपूर्ण चेले या अधूरा चेले बोल सकते हैं कि अभी तक इनका ट्रेनिंग पूरा नहीं हो पाया है ना। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी अध्याय में हम लोग एक में पढ़ते हैं, 9:1 में, लूका अध्याय 9:1 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले इन लोगों को चंगाई करने का और दुष्टात्माएं निकालने का अधिकार दिया था, लेकिन हम लोग देखते हैं दे कुड नॉट कास्ट आउट दिस डीमन। इसके बावजूद भी वे चेले इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकने पाए थे। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बात भी समझ में नहीं आता था। बहुत सारे जो शिक्षा देते थे, अगर आप पढ़ेंगे ना इसी 9:45 में, 9:45 में, परंतु वे इस बात को नहीं समझते थे या उनसे छिपी रहे कि वे उसे जानने ना पाए, वे डरते थे। सो हम लोग पाते हैं कि ये अभी इनका डिसाइपलशिप कंप्लीट नहीं हुआ था, दे वेर डिफिशियंट डिसाइपल्स, और उनमें आत्मिक सामर्थ्य की कमी थी और आत्मिक समझ की कमी थी। तीसरा जो ग्रुप हम लोग यहाँ पाते हैं जिनको बहुत ज़रूरत थी, वह द डिफेक्टिव जनरेशन, दोषपूर्ण पीढ़ी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी और हठीली पीढ़ी के लोग। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मूसा के शब्दों को ही दोहरा रहे थे जो मूसा ने व्यवस्था विवरण 32:5 में उन्होंने ऐसा ही कहा था कि हे अविश्वासी और हठीले लोग, इसराइली लोग। सो जीसस वाज स्पेशली अवेयर ऑफ हाउ फार दिस जनरेशन वाज फ्रॉम गॉड। सो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उस जमाने का उस पीढ़ी के लोग किस प्रकार से परमेश्वर से दूर थे और किस प्रकार से कुछ ही दिनों में जो परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र और मसीहा को वे मारने वाले थे, क्योंकि वे अविश्वासी और हठीली जनरेशन के लोग थे। और हम लोग देखते हैं कि आज का जनरेशन भी है ना अविश्वासी और हठीली जनरेशन के लोग हैं। आज के बच्चे या युवा लोगों के जो समस्याएं क्या है, उनके जो क्या समस्याएं मुसीबत में है पड़े हुए, बहुत सारे बुरी आदतों में वे पड़े हुए हैं, ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रंकनेस, एडिक्शन, मोबाइल गेम्स, गलत गैम्बलिंग, गैजेट्स, गर्ल और गाय, इंडिसिप्लिन लाइफ और ट्रैफिकिंग, उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है, और भी अन्य मुसीबतों का सामना करते हैं, चाइल्ड एब्यूज आदि। सो वे हम लोग देखते हैं कि वे बहुत सारे नशा कर लत, ड्रग्स आदि कर लत। भी मैं 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, कई बार चर्च के पास में इस बंदी के बीच में भी इस कॉर्नर में, चूँकि हम चर्च का कॉर्नर ऐसा कि एक तरफ से छुपा हुआ गली जैसा है, सो कुछ लड़के लोग, टीन्स लड़के लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि रात में लोग क्या कर रहे हैं, कई बार 8-9 बजे रात को आते हैं जबकि चारों तरफ बंदी है यहाँ पर, ये लोग क्या करते हैं कोना में आकर। मैं देखता हूँ कई बार वे सिगरेट निकालते हैं, कई बार वे कुछ दवा का शीशी निकालते हैं, बॉटल निकालते हैं, मे बी कफ सिरप या कुछ और भी वे लोग सूंघते हैं। कई बार मैंने उन लोगों को भगाया, इसके बावजूद भी वे टाइम टू टाइम आते रहते हैं यहाँ पर कॉर्नर में। एक ऐसा जगह कि जहाँ पर लोग कोई भी लोग उन्हें देखने नहीं पाए, वे लोग छुप कर ऐसा कार्य करते हैं। सो लोग आज बहुत प्रकार के, हमारे जो आज की पीढ़ी खासतौर से जो नेक्स्ट जनरेशन ये जो हैं वो जूझ रही हैं अपनी समस्याओं से,
मोबाइल गेम्स पबजी आदि का उन्हें लत लगा हुआ है, गैम्बलिंग जुआ खेलने का आदत, फिर वे लोग बहुत चिपके हुए रहते हैं गैजेट से, फिर बहुत ही अव्यवस्थित जीवन, इनडिसिप्लिन अनऑर्गेनाइज लाइफ बहुत सारे लड़कों युवा लोगों का, वे लोगों का सोने उठने बैठने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कई बार वे रात में दो दो तीन तीन बजे रात तक जागे रहते हैं, फिर उठेंगे 12 बजे दिन में उठेंगे, किस समय खाना खाएंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं है, फिर वे कब पढ़ाई करेंगे। सो योर दिस ऑल्सो द डेस्परेट नीड फॉर गॉड एंड डिलीवरेंस, और इसलिए उन्हें भी जरूरत है परमेश्वर की और छुटकारे की, ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकने पाए। हमारे बच्चे लोग खतरे में हैं और अदृश्य रूप में दुष्ट आत्माएं कार्यरत है उनके जीवन को खराब करने के लिए, और हमें जरूरत है उन बच्चों को बचाने की, उनके बीच में अवेयरनेस लाने की, प्रभु का ज्ञान और साथ साथ जो बहुत सारे प्रैक्टिकल टीचिंग्स है उसको देने का, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकने पाए, परमेश्वर के दिए गए मौकों को ले सकने पाए। बहुत सारे एनजीओज वगैरह कार्यरत हैं उनकी सहायता के लिए, और वे इस इन मौकों को अवसरों को समझ सकने पाए और अवसरों को वे ले सकने पाए और आगे बढ़ सकने पाए। दूसरा हम लोग देखते हैं इस कहानी में बात को कि द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द एनिमी, कि शत्रु के विनाशकारी सामर्थ्य को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और हमें समझने की जरूरत है कि हमारा एक वी हैव रियल एनिमी, वी हैव ए रियल बैटल, और हमारा एक वास्तविक में एक शत्रु है और हम लोग वास्तविक में एक युद्ध में हैं। हालांकि वो भी सच है कि आप प्रभु में यदि हैं तो देन यू विल ऑल्सो हैव द रियल विक्ट्री टू। और बाइबल बताती है स्पष्ट तौर से, यहाँ पर हम लोग पढ़ें कि यहाँ पर कौन था, एक आत्मा उसको, इस बच्चे को सता रही है, पकड़े हुए। कई लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग, अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, कई बार क्रिश्चियन लोग भी जो लोग बोलते हैं कि कोई शैतान या दुष्ट आत्माएं नहीं है, और हम लोग भैया अगर उस दुष्ट शैतान और दुष्ट आत्मा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह किसको निकाल बाहर कर रहे थे। बाइबल बहुत साफ बताती है शैतान और दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति और अस्तित्व के विषय में, कि वे लोग भी स्पिरिचुअल बींग्स, आत्मिक प्राणी हैं, और वे लोग बुरे बुरे काम में लगे हुए हैं, वे लोग तो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आते हैं। और हमें समझना है, एक ऐसा ही एक सज्जन पढ़े लिखे बहुत हाई पोजिशन में एक व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति, उन्होंने मुझसे कहा कि आई डोंट बिलीव सच काइंड ऑफ थिंग, सैटन एंड डीमंस, बाइबल में साफ लिखा हुआ सर। कुछ समय के बाद मैंने सुना उनके ही परिवार में दुष्ट आत्मा आया हुआ है, किसी व्यक्ति को सता रहा है। बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें क्या करना होगा, तो फिर हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किए और कुछ काउंसलिंग किए, और तब जाकर वहाँ पर छुटकारे को वे देखने पाए, और तब उन्हें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास हुआ, और साथ ही साथ ये भी जानने पाए कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भी होती है, जो बाइबिल बताता है, बाइबिल सत्य है। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मार्क का अध्याय 9:29 में ये भी लिखा हुआ है, जीसस टोल्ड द डिसिपल दैट दिस काइंड ऑफ डीमन इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन अदर्स, यानी कि ये जाति जो है आसानी से नहीं जाती है। सो हम लोग देखते हैं कि ये जो सैटन एंड डीमंस का भी हायरार्की है, कुछ लोग बहुत ही हल्के किस्म के भी दुष्ट आत्माएं होते हैं, कमजोर, और कुछ उसके अपर लेवल के भी दुष्ट आत्माएं होते हैं जो काफ़ी उनमें शक्तियां होती है और विनाशकारी शक्तियां होती है, और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है उनके विनाशकारी शक्तियों से। कुछ जस्ट इसी वीक का ही बात है, इसी सप्ताह की बात है, कि जब मैं एक परिवार में वहाँ पर उनके घर पर दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था, और अदृश्य रूप में उस परिवार में गड़बड़ी को ला रहा था और बीमारी को ला रहा था, और बहुत प्रकार से तंग में लोग थे, और इसलिए उस परिवार ने मुझे कॉल किए कि मेरा एक परिवार के लिए प्रार्थना करें छुटकारे का, और हमने फ़ोन पर ही प्रार्थना की है उस परिवार के लिए, चूँकि अभी हम लोग जा भी नहीं सकते बाहर, फ़ोन पर ही ज़बरदस्त प्रार्थना की, और प्रार्थना मैं कर रहा था तो उसी समय महसूस किया दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का,
और वे बता रहे थे कि वे दुष्ट आत्माएं रात में आते हैं, उससे आवाज भी आता है घर पर। सो हमने उनके घर के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद फिर उस रात में मैं काफ़ी अलर्ट था और बहुत ही प्रार्थना करके मैं सोया अपने बेड पर 11 बजे रात को। और जब मैं सोया 11:30 बजे बजते बजते मुझे महसूस होने लगा हालांकि दुष्ट आत्मा की उपस्थिति का, और फिर भी मैं लेटे रहा। और जब ठीक 12:30 बजा तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा मेरे पास आया। एक बहुत ही ब्लैक किस्म का कुछ था, ऐसा गोला बादल जैसा, वो मेरे पास हम सट करके आया। जब मैं लेटा हुआ था तो मेरे पास यहाँ बगल में आया और इसके जैसा आवाज़ भी किया, और बहुत ही डरावनी यह अनुभव मुझे हुआ उस समय जब वो मेरे पास आया और मुझे स्पर्श करने की कोशिश किया, और मैं चौंकना होकर जग गया। और फिर मैं उठा कि अब जब तुम इतना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तो मैं उठूंगा, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गर्व है। मतलब मैं अब उठा हूँ तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, और भी जो दुष्ट आत्मा शैतान की शक्तियाँ कार्यरत है उन सबों का नाश करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं उठा और फिर 1 घंटा मैं प्रार्थना किया, और थोड़ी देर में शुरुआत में 5-10 मिनट के अंदर ही वो दुष्ट आत्मा वहाँ से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद फिर और भी जो कोरोना, ब्लैक फंगस और बहुत सारे जो बीमारियाँ फैलाने वाली जो दुष्ट आत्माएँ हैं, इन सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैरों तले रौंद दिया। हालेलुया। हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन जैसा लिखा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा नहीं। सारे शैतान और दुष्ट आत्माएं सम्मिलित करते हैं और उनका नाश होता है। हालेलुया। सो बाइबल में भी लिखा हुआ कि तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम उस पर जयवंत होने पाओगे। सो हमें स्मरण रखने कि प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप इन सारे दुशक्तियों पर जयवंत ठहरने पाएंगे। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारी बार समस्याएं हमारी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण से आती है, शरीर की अभिलाषा के कारण से हम लोग मुसीबत पड़ते हैं, पाप को जन्म देता है। लेकिन कई बार हमें यह भी समझना है कि बहुत सारी मुसीबत शैतान और दुष्ट आत्मा शैतानी शक्तियों के द्वारा भी आती है, और उसके विनाशकारी शक्तियों से हम लोग अनजान न रहें, लेकिन हम लोग सावधान रहें। डीमंस कैन नॉट पजेस ए बिलीवर बट दे कैन हरास बिलीवर्स। दुष्ट आत्माएं तो एक विश्वासी के जीवन, विश्वासी को अंदर समा नहीं सकता, लेकिन जरूर कि बाहर से वो तंग कर सकता है, और इसलिए हमें सावधान रहना है। गेट रीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इविल थिंग्स। हम अपने जीवन से हर एक प्रकार के पाप कर्मों, बुराई बातों को से हम लोग अलग हो जाए। लेट अस बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके शुद्ध और पवित्र जीवन, और एक अलगाव का जीवन, एक सेपरेट लाइफ हमें जीने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के जादू टोना के बातों में सम्मिलित ना हो, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा या ज्योतिषी विद्या या और जो झाड़ फूक ओझा, इन सबों से दूरी बना करके रखें। हर एक प्रकार का मतलब ऐसे गंदे मूवी देखना या हॉरर मूवी देखना या वेबसाइट, कई बार ऐसे वेबसाइट भी हैं सैटेनिक वर्शिप्स आदि से संबंधित या सैटेनिक थीम से संबंधित, ऐसे वेबसाइट से भी अपने आप को अलग थलग रखें। डू नॉट रीड अबाउट सैटन वर्शिपर्स, और जो शैतान का आराधना करने वालों के बारे में मत पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश करेगा और आपके जीवन में प्रवेश करेगा। डू नॉट गिव हिम एनी फुट होल्ड। आप कभी उसको अपने घर या अपने जीवन में पांव कदम रखने का मौका ना दें। आज से करीब 1.5 साल पहले एक लड़की जिसे कि मैं बचपन से जानता हूँ, सो वह अभी पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उस समय पहले वापस आई यहाँ पटना, और वो आगे जॉब की कोशिश में लगी हुई थी। सो वो एक दिन मुझे कॉल की
इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके वापस आई और वो मुझे कॉल की कि पास्टर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्रे फॉर मी। क्या मेरे लिए प्रार्थना कर, मैंने बताओ क्या हुआ। फिर वो मुझे बताई और बहुत सारी चीज़ें भी अब मेरे व्हाट्सएप पर भेजी। वो बताई कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो मुझे बताता है बहुत सारे एलियंस आदि के विषय में बताता है, एलियन स्पिरिट के विषय में। और फिर वो अलग ढंग से हरकतें करने लगता है एलियन के समान। सो मैंने उसे सावधान किया और चेतावना, और फिर बताया वो बहुत सारा व्हाट्सएप पर एलियंस से संबंधित वेबसाइट का मटेरियल्स मिलता है और जो एलियन जो जंतु आदि हैं, है ना, एलियन स्पिरिट के विषय में। और बताए कि कई बार वो रात में इस प्रकार से मतलब मुझे भी महसूस होता है, आधी रात को 2-3 बजे रात को ऐसा महसूस होता है। सो मैं रात भर जागे रहती हूँ, 4 बजे के बाद ही मैं सोने पाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो मैंने उसे उपाय बताया और उसको ये बताया उससे एकदम अलग थलग रहो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, प्रभु का अपना उद्धार करता प्रभु में ग्रहण करो, इन सारे वेबसाइट और ऐसे बातों से अपने आप को अलग करो, बाइबिल पढ़ो, प्रभु के मार्ग में चलना शुरुआत करो और फिर मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। सो ये सारे मैंने आइडिया उसे दिए। सो हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ें हो रही है दुनिया में और जिसका हमें पता नहीं है, लोग कहाँ कहाँ से किन किन बातों में उलझ रहे हैं, यहाँ तक कि आज का भी जनरेशन भी, और ये दुष्ट आत्माएं भी बहुत ही टेक्निकल ढंग से आ रहे हैं, लाइक एलियन जैसे मैंने बताया, एक अलग ढंग से वे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं न्यू जनरेशन के पास। और इसलिए हमारे जो चिल्ड्रन है, हमारे यूथ, दे आर इन ग्रेट रिस्क और वे लोग बहुत खतरे में हैं और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है, उन्हें ऐसे बातों का परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें वचन का ज्ञान की आवश्यकता है। हालेलुया। तीसरा हम लोग ग्रुप देखते हैं इस पैसेज में, द माइटी पावर ऑफ गॉड टू डिलीवर अस, हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर का महासामर्थ्य। और लुक डिस्क्राइब्स द बॉयज टेरिबल कन्वर्जन्स इन डिटेल, बट देन सिंपली स्टेट्स जीसस रिब्यूक द अनक्लीन स्पिरिट एंड हील द बॉय एंड गेव हिम बैक टू हिज फादर। लुका बहुत ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो बहुत ही डिटेल में उसने बताया कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं आता है और उसे मड़ोता है, वह फेन मुँह से फेन झाग निकालता है और वह कब्जा किए हुए था दुष्ट आत्मा, लेकिन वह बहुत ही आसानी से बातें बताए कि प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देखते हैं कि यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसे पिता को सौंप दिया। बहुत ही सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट, यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा कर दिया। हालेलुया। बहुत ही सिंपली, लेकिन इस सिंपल बात में बहुत पीछे एक सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ झलकता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित होने पाए। ये छोटा सा बात था, एक लाइन की बात था, प्रभु ने डांटा ठीक हो गया कुछ ही सेकंड में, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति और परमेश्वर की शक्ति कार्यरत थी। ये लोग चकित हुए, परमेश्वर के महासामर्थ महाकर्म को वे याद किए। यर्मिया 32:17 में लिखा हुआ है, जेरेमिया चैप्टर 32:17, आर लॉर्ड गॉड बिहोल्ड यू हैव मेड द हेवंस एंड द अर्थ बाय योर ग्रेट पावर एंड बाय योर आउटस्ट्रेच्ड आर्म, नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर यू। हमारे महान प्रभु परमेश्वर, आपने अपनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किए और उन्हें तान दिए इस आकाश। सो नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, और आपके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट गॉड्स एबिलिटी टू डिलीवर दिस बॉय फ्रॉम द डीमन एंड फ्रॉम डिजीज टू। सो ये जो कहानी और घटना है कि यहाँ पर परमेश्वर की महासामर्थ महायोग्यता को दर्शाता है कि जहाँ पर उसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला और साथ साथ बीमारी से भी छुटकारा मिलने पाया। और चौथा बात हम लोग यहाँ देखते हैं, द वाइटल नीड फॉर प्रेयर फेथ एंड ओबीडियंस, किस प्रकार के हमारे जरूरत के लिए और हमें हमारे छुटकारे के लिए हमें जरूरत है प्रार्थना की, विश्वास की और ओबीडियंस की।
or the need for faith is indicated in Jesus' rebuke. और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। और बाद में चेले यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं निकालने पाए इस दुष्ट आत्माओं को। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, फॉर एश्योरली आई से टू यू, इफ यू हैड फेथ एज अ मस्टर्ड सीड, यू विल से टू दिस माउंटेन मूव फ्रॉम हियर टू देयर एंड इट विल मूव and nothing will be impossible for you. So प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे अविश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पहाड़ से कहते तुम यहाँ से सरक कर उधर चला जा, तो वो उधर चला जाता और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। However, this kind does not go out except by prayer and fasting. मत्ती 17 का 21 में लिखा हुआ है, परंतु इस प्रकार की जाति, इस प्रकार के दुष्ट आत्मा शक्तिशाली होते हैं और ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। सो यहाँ पर देखते हैं, हमें जरूरत होती है विश्वास का, प्रार्थना का, साधारण प्रार्थना नहीं, उपवास प्रार्थना का जरूरत है और आज्ञाओं को मानने का भी। ट्रू फेथ ऑलवेज इज इनसेपरेबल फ्रॉम ओबीडियंस। जो सच्चा विश्वास और भरोसा होता है वह आज्ञा के साथ साथ चलता है। We cannot rightly claim to be trusting God if we are knowingly disobeying His word। और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमें परमेश्वर पर भरोसा है और फिर जानबूझकर आज्ञाओं को डिसोबे करते रहे, अवज्ञा करते रहे। So this father was trying to believe, although he was quick to acknowledge his shortcoming by crying out, I do believe, help my unbelief। और हम लोग देखते हैं कि ये पिता, जो इस लड़के का पिता, विश्वास करने की कोशिश की, फिर भी अपने विश्वास की कमी को उन्होंने स्वीकार किया कि मैं विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरे अविश्वास का उपाय करें प्रभु। And this story should encourage us to bring our problems to the Lord। और ये कहानी और घटना हमारे उत्साहित करते कि हम लोग प्रभु के पास अपने समस्याओं को लेकर आए। His gracious to work on our behalf, और वह हमारे तरफ कार्य करने के लिए वह तत्पर है। यदि हमारे विश्वास की कमी भी है, समझ की कमी है, इसके बावजूद भी वह इंतजार नहीं करेगा कि कब इसका विश्वास बढ़ेगा, कब इसको समझ में आएगा, लेकिन वह अपने ही अनुग्रह और दया के द्वारा वह आप पर दया दिखाएगा और आपके जीवन में छुटकारे और चंगाई को लेकर वो आएंगे। हालेलुया। सो ही इज ग्रेसियस टू डिलीवर अस बाय हिज माइटी पावर। सो वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वह अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को लेकर आएंगे और आपके सारी जरूरतों को पूरा करने पाएंगे। सो आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ इन माई कंक्लूजन दैट वाट एवर आवर नीड्स एंड हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द एनिमी, we know that our heavenly father is even more powerful। so aaj aapki kuch bhi zarurat kyun na ho, chahe aapke paas bahut bada sankat kyun na ho, ya aapke paas bahut bada dushta atma ya shaitan karyat kyun na ho, lekin hamare paas ek swargiya pita parmeshwar aur uske paas mahasamarth hai aur wo hamare liye chutkare ka karya karenge। in our great need we can lay hold of god's mighty power through faith। aur hum log apne vishwas ke dwara हम लोग अपने जरूरतों को प्रभु के सम्मुख लेकर आ सकते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को देखने पाएंगे। वी आर नीडी पीपल बट क्राइस्ट इज अ माइटी सेवियर। जरूर कि हमारे पास बहुत सारे जरूरतें हैं, संकट हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जो सामर्थी उद्धार करता है और वह आपके जीवन में कार्य करेंगे और छुटकारा देंगे और आशीष देंगे और हम और हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहने पाएंगे। हालेलुया। So may God bless you। Let me pray for you। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम लोगों ने इस पैसेज से सीखने पाए आपके महासामर्थ, परमेश्वर के महासामर्थ के विषय में। और प्रभु परमेश्वर आज यहाँ सुनने वाले लोगों पर आप आशीष करें, आज इनके जीवन में खासतौर से जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, सबको प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में प्रभु जी आप आशीष करें और आप उनके प्रार्थनाओं को सुने और अनुग्रह दें प्रभु परमेश्वर।
हालेलुया, आज इनके जीवन में जो भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे करें और इनके जरूरत को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य को प्रकट करें कि जीवन में छुटकारे को लाए, चंगाई को लाए और अनुग्रह करें और इनके अविश्वास का प्रभु जी आप उपाय करें। परमेश्वर इनकी मदद करें कि प्रार्थना का जीवन इनका हो, विश्वास का जीवन हो और आज्ञाकारिता का जीवन हो। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों, सारे बड़ों सारे बच्चों सबको प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ स्मरण करते हैं जितने भी NGOs कार्यरत हैं प्रभु जी बच्चों के बीच में, उन सबों पर आप आशीष करें, उनके प्रभु जी सेवा का प्रतिफल आप उन्हें दें, अनुग्रह परमेश्वर धन्यवाद से हमें से कब लोगों को हम आपके चरणों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।